विशाल गुप्ता आज आपको क्लास इलेवन सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर फोर बिजनेस सर्विसेज के टॉपिक टाइप्स ऑफ एंड फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक सबसे पहला टाइप ऑफ बैंक है वो है कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक एक नॉर्मल बैंक होता है जिसका दोस बैंक विच आर दो विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन्स टू द इंडिविजुअल्स एंड इंडस्ट्री ये बैंक का जो मेन काम होता है जनरल पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और जनरल और इंडिविजुअल्स और इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करना है है इसके जो मेन टाइप्स होते हैं वो होता है एक फॉरेन बैंक्स और दूसरा इंडियन बैंक्स फॉरेन बैंक्स विच आर बेस्ड ऑन सम फॉरेन कंपनी और कंट्री एंड हैव अ ब्रांच इन आर कंट्री फॉर एग्जांपल सिटी बैंक एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडियन बैंक्स इंडियन बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो हमारे देश में इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं और इंडिया के बेस्ड होते हैं अब इंडियन बैंक्स के भी आगे टाइप है वो है पहला पब्लिक सेक्टर बैंक और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होता है जिसकी 51 परसेंट कैपिटल इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल पीएनबी एंड एसबीआई और प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक होता है जो कि ओन किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स द्वारा फॉर एग्जाम्पल एच एंड एक्सिस बैंक इसका जो सेकेंड टाइप है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक दीज आर दोज बैंक विच गिव मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू द इंडस्ट्री दे ऑल्सो हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स दे ऑल्सो हेल्प इन सेलिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ ए कंपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो नाम से ही क्लियर है ये इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए किया गया है अब इसके जो इंडस्ट्रियल बैंक्स के टाइप्स हैं वो नेशनल लेवल का है और दूसरा स्टेट लेवल नेशनल लेवल के इंडस्ट्रियल बैंक्स को हम आई या एस आई डी बी आई या आई एफ सी आई इस तरीके के बैंक्स होते हैं और स्टेट लेवल के जो बैंक्स का आगे एग्जांपल है वो एस एफ सी और एस आई डी सी ये इस तरीके के बैंक स्टेट लेवल के होते हैं थर्ड जो टाइप है बैंकिंग का वो है एग्रीकल्चर बैंक आर दोज बैंक्स विच प्रोवाइड लोन प्राइमरली टू फॉर एग्रीकल्चर वर्क और शॉर्ट एज वेल एज मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फॉर परचेजिंग सीड्स फर्टिलाइजर्स फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड ट्रैक्टर एटसेट्रा जो अपना सीड्स और फर्टिलाइजर है वो तो शॉर्ट टर्म लोन में चला जाएगा जो ट्रैक्टर्स है वो मीडियम टर्म का हो गया और परचेज ऑफ लैंड लॉन्ग टर्म लोन्स के रूप में एग्रीकल्चर बैंक किसानों की मदद करते हैं जो टाइप्स हैं इसके आगे एग्रीकल्चर बैंक के वो पहला है द कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा लैंड डेवलपमेंट बैंक कोऑपरेटिव बैंक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो सकते हैं और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो सकते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स इनका जो काम है वो लोगों को टू प्रोवाइड मतलब फार्मर्स को टू प्रोवाइड लोन्स ऑन सिक्योरिटी ऑफ लैंड जो नेक्स्ट हम इसके टाइप की बात करेंगे वो है रीजनल रूरल बैंक्स रीजनल रूरल बैंक्स आर हैविंग फीचर्स ऑफ बोथ कमर्शियल एंड कॉपरेटिव बैंक्स द मेन फंक्शन आर टू प्रोवाइड लोन्स टू द स्मॉल ट्रेडर्स स्मॉल फार्मर्स एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन द रूरल एरियाज नेक्स्ट फिफ्थ टाइप के जो बैंक्स हैं वो है अदर एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन उसमें सबसे पहला नाम आता है सेंट्रल बैंक का जो कि हमारे देश में आरबीआई है सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक ये एक मेन बैंक है इट रेगुलेट्स बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया एंड इट इज ऑल्सो द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट टाइप है इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक भी बोलते हैं टू एक्सपेंड फॉरेन ट्रेड इस बैंक में को हम फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए करते हैं जो पार्टीज या जो बिजनेसमैन या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट हो या इम्पोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं ये उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज देते हैं नेक्स्ट इसका टाइप है जो अदर अपेक्स बैंकिंग का वो है नेशनल हाउसिंग बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक इट इज़ टू प्रोवाइड हाउसिंग लोन टू द जनरल पब्लिक नेक्स्ट जो टाइप है वो है इंडस्ट्रियल रिकॉन्स कंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया इट इज़ टू रीहेबिलिटेट द इंडस्ट्रीज इट गिव असिस्टेंस टू दिक यूनिट सिख यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल हाउसेज या मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं जो लॉस में चल रहे होते हैं और इसमें पै, इनको पैसे की ज़रूरत होती है तो इस तरीके के बैंक जो बैंक चलने वाली हालत में हो उसका रिव्यू करते हैं और यदि वो पैसे से चल सकते हैं तो उनको पैसा मुहैया कराते हैं ताकि वो अपना काम आगे शुरू कर सके और सिक इंडस्ट्री से को रिवाइव कर सकें नेक्स्ट इसका जो टाइप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसको हम बोलते हैं नबार्ड ये टू डेवलप एग्रीकल्चर इन एंड रूरल एरियाज ये एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए और रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए बनाए गए हैं तो इसके ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स फंक्शन जो कमर्शियल बैंक्स के हैं या बैंकिंग के जो फंक्शंस हैं वो एक तो प्राइमरी फंक्शन होते हैं दूसरा सेकेंडरी फंक्शन और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज तो पहले में जब हम प्राइमरी फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले फंक्शन जो आता है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर एग्जाम्पल जैसे एफ अकाउंट खोलना एफ बनाना किसी का फिक्स डिपॉजिट खोलना किसी का करंट और सेविंग अकाउंट खोलना और दूसरा इसका मेन फंक्शन होता है एडवांसिंग लोन्स एडवांसिंग लोन में ये कैश क्रेडिट या लोन की फैसिलिटी देते हैं सेकंड सेकेंडरी फंक्शन में एक आता है ये एजेंसी फंक्शन एजेंसी फंक्शन में कौन कौन से आते हैं कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स मतलब ये बैंक अपने कस्टमर के लिए एजेंट का, का काम करते हैं और कस्टमर के बिहा पे उसके डिविडेंड वगैरह रिसीव करते हैं और बिल पेमेंट या इंश्योरेंस पेमेंट एडवांस नोटिस पे डिपॉजिट कराते हैं उसके बाद ये परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज में डील करते हैं दीज आर ऑल्सो एक्ट एज ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूट फॉर इट्स कस्टमर्स उसके बाद रेमिटेंस ऑफ मनी ये मनी भी उनको प्रोवाइड कराते हैं जहाँ उनको पेमेंट करनी होती है सो so, इसका अगला फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन परचेज एंड सेल ऑफ फॉरन एक्सचेंज ये परचेज और सेल भी करते हैं फॉरन एक्सचेंज की लेटर ऑफ रेफरेंस यदि कि हमारे किसी बैंक के किसी कस्टमर को लेटर ऑफ रेफरेंस या किसी को देने के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए चाहिए होती है तो ये अपने कस्टमर के लिए लेटर ऑफ रेफरेंस भी देते हैं उसकी गुडविल को बताने के लिए उसके बाद बैंक ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक ये सर्विसेज वो एजेंसी फंक्शन के अंडर प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी फंक्शन के अंडर जो दूसरी सर्विसेज कमर्शियल बैंक्स की आती हैं वो है जर्नरल यूटिलिटी सर्विसेज जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में हम सबसे पहले बात करेंगे लॉकर फैसिलिटीज़ की लॉकर फैसिलिटी वो फैसिलिटी होती है जो आप अपने बैंक में से एक लॉकर ले सकते हो और उसमें वैल्यूएबल आइटम्स या वैल्यूएबल पेपर्स एंड ज्वेलरी एटसेट्रा को स्टोर करके सेफ के रूप में रख सकते हैं दूसरा ट्रैवलर्स चेक यदि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है आप ट्रैवलर्स चेक लेके साथ में जा सकते हो ये अपने बैंक अपने कस्टमर्स को ये फैसिलिटी भी देता है बिजनेस इन्फॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स ये अपने कस्टमर्स के लिए बिजनेस इन्फॉर्मेशन और उनके लिए स्टैटिस्टिक्स भी इकट्ठा करके देता है उसके बाद तीसरा जो कमर्शियल बैंक्स का फंक्शन है वो है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज आज के मॉडर्न युग में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बन गया है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र घर बैठे छुट्टी वाले दिन भी अपने कस्टमर एक अपनी जिसने पेमेंट करनी होती है वो भी कर सकता है बिना बैंक में जाए ए टी ए टी एम आपको अच्छी तरह पता है ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन है इसमें आप मनी डिपॉजिट करा सकते हो अपनी मिनी स्टेटमेंट ले सकते हो आपने अपने करा सकते हो तो ये एक तरह का ऑटोमेटिक टेलर है इसमें भी आपको बैंक में लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होती और ये आपका टाइम बचाता है डेबिट कार्ड जाहिर है इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि डेबिट कार्ड आपके सेविंग अकाउंट के साथ जुड़ा होता है जिसका जितना कि आपके बैंक में पैसा पड़ा होता है उसको आप यूज़ कर सकते हो इस कार्ड के थ्रू पेमेंट्स करवा के और उसके अगला जो टाइप है या अगला फंक्शन जिसको हम कहें तो वह है क्रेडिट कार्ड बैंक अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी देता है क्रेडिट कार्ड एक तरह का जीरो बैलेंस अकाउंट होता है यह हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ इमरजेंसी पेमेंट करनी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं टेले बैंकिंग मतलब टेलीफोन के से या मोबाइल के थ्रू आप बैंकिंग कर सकते हैं कोर बैंकिंग सर्विसेज कोर बैंकिंग सर्विसेज इसमें क्या होता है कि एक कस्टमर यदि किसी एक जगह फॉर एग्जांपल दिल्ली का की ब्रांच में अकाउंट खोलता है तो कोर बैंकिंग में यदि वो देश के किसी भी कोने में चला जाए किसी भी ब्रांच में सेम बैंक की तो उसको बैंक का कस्टमर ही माना जाएगा तो उसको वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो उसको अपनी होम ब्रांच में मिल रहा था तो ये होता है कोर बैंकिंग तो उसके बाद हम एनईएफटी e. और आरटीजीएस के सर्विसेज के बारे में ऑलरेडी पिछली वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं तो आई होप कि आपको ये इसके डिफरेंट टाइप्स और फंक्शंस समझ आगे होंगे आप मेरी अगली वीडियोस देखते रहिए इसके बाद हम करेंगे बिजनेस सर्विसेज थैंक यू